आज आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? आज हम एक अभियान को लेके आए हैं जिसकी शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री राणे सर ने हरी झंडी दिखा के की है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न जो स्कीम्स हैं उनका प्रचार प्रसार, ताकि ज्यादा से ज्यादा दो चार स्कीम्स के बारे में बताइए। पीएमईजीपी है एक, वो जो सबसे जरूरी है, जो अपना कुछ नया करना चाहते हैं वो नया शुरू कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट उनको लोन देती है। सबसे पहले पीएमईजीपी, इसके अलावा अलग अलग आप जैसे जैसे सेटअप लगाना चाहते हैं, कितना आपको लोन की जरूरत है उसके अनुसार बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगी क्योंकि सारा बता पाना अभी संभव नहीं है, सीमा है। दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज यहाँ टीपीएस कॉलेज में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? टीपीएस कॉलेज में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि ये टीपीएस कॉलेज जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो जो अभी जस्ट अपना कॉलेज स्टार्ट कर चुके हैं, कॉलेज फिनिश करने के स्टेज पे हैं और वो अब बस नौकरी की तलाश में है। तो हम उनको यही बताने आए हैं कि आपके पास बस नौकरी ही नहीं, एक स्वरोजगार भी मान लेंगे जहाँ से आप जाके खुद भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे और अपने जैसे 10 और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप ये एमएसएमई का काम, मतलब एमएसएमई जो है काम कैसे करती है? एमएसएमई भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसके अंतर्गत 4-5 काम आता है। पहला काम कि वो बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, तो मोटिवेट करती है। दूसरी चीज, आपको उसके लिए ट्रेनिंग देती है। अभी पटना में डीआई है हमारा, वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ पे भी टूल रूम है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ पे भी हम देखते हैं, वहाँ पे रोबोट वगैरह बनाना सिखाया जाता है। अच्छा, एमएसएमई जो जैसे जो भी बच्चे न्यू करना चाहते हैं उनको इकोनॉमिकल हेल्प नहीं करती? बिल्कुल, इकोनॉमिकल हेल्प के लिए ही तो पीएमईजीपी स्कीम है जो लोन प्रोवाइड करती है। और लोन प्रोवाइड करेगी तो सपोज आपको 100 रुपए मिले हैं तो अलग अलग सब्सिडी के हिसाब से वो 100 रुपए आप देते देते आपको, मतलब आपको 35% का रिलैक्सेशन है, मतलब 100 रुपए में से अगर 35 रुपए हट जाएगा तो 65 रुपीज बचेंगे भाई आपको। आप एमएसएमई में क्या है? मैं एमएसएमई में मीडिया इनोवेटर हूं। उसका रोल क्या है? का मतलब होता है मीडिया नवोन्मेषी। नवोन्मेषी का मतलब होता है जो संसार में सारी चीजें चल रही है जो बहुत ही सरल है उसमें से कुछ नया ले आए और संसार को सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।